नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको किस प्रकार से राष्ट्रीय पोषण माह मनाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 से इस राष्ट्रीय पोषण माह को मनाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ जिसमें तमाम गतिविधियों को आपको करना है। घर घर जाकर बच्चों की कुपोषित की पहचान करना है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका लगाना है, और भी जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं आपको पूरे माह इस कार्यक्रम को करना है। तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें आपको कुछ मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको पोषण माह के दौरान करना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको राष्ट्रीय पोषण माह मनाना है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि पूरे महीने ये सारे कार्यक्रम आपको करने हैं, और 4 सप्ताह में आपको 4 महत्वपूर्ण जो विशेष कार्यक्रम है आपको वो सारे आपको करने पड़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, यहाँ पे जो हेडलाइन दिया गया है, घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की पहचान करेंगी आंगनबाड़ी सेविका। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका की तस्वीर भी दिखा रहा है, जो कि इस प्रकार से घर घर जाके आपको जो बच्चे कुपोषित हैं उनको पहचान करना है। कुपोषण के खिलाफ चलेगा अभियान, सितंबर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह। तो पूरे सितंबर इस कार्यक्रम को करना है। जिले में कुपोषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की जाएगी। कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के उद्देश्य से सितंबर में पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 1 सितंबर से 30 सितंबर, यानी कि पूरे महीने आपको इस राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन होना है। पूरे माह कुपोषण के खिलाफ तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि पोषण अभियान एक बहु मंत्रालयीय अभिसरण मिशन है, जिसका उद्देश्य माननीय को साकार करना है। देखिए, प्रधानमंत्री का एक विजन है, जो कि सुपोषित भारत, कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। आंगनबाड़ी सेवाओं और वितरण में सुधार के साथ साथ जन आंदोलन और सामुदायिक भागीदारी पोषण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक घटक हैं, और इस कार्यक्रम के तहत जन आंदोलन को मजबूत करने पर भी बल दिया जाएगा, जो कि कुपोषण के खिलाफ अभियान में एक मूल्य भागीदार के रूप में कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए पोषण माह के बैनर तले उपयुक्त गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। जन आंदोलन डैशबोर्ड संबंधित दैनिक आधार पर सभी गतिविधियों का पोर्टल, देखिए पोषण अभियान के जो दिया गया है पोर्टल, यहाँ पे इन पर सभी गतिविधियों को अपलोड किया जाना है। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की दृश्यता लाने के लिए बड़े पैमाने पर मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का भी इसमें सहयोग मिलेगा, जो कि सोशल मीडिया के में तमाम इस गतिविधि को भी दिखाया जाएगा, जिससे कि और भी जागरूकता फैले सभी आम जन लोगों में। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 4 सप्ताह में कौन कौन से गतिविधियाँ आपको करनी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के उत्सव के लिए 4 मूल्य विषय 4 सप्ताह के लिए पहचान की गई है। देखिए, प्रथम सप्ताह में आपको क्या करना है, प्रथम सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों तथा अन्य सार्वजनिक भूमि आदि में उपलब्ध स्थानों पर पोषण वाटिका के रूप में पौधारोपण गतिविधि के रूप में की जाएगी। तो जो पहला सप्ताह है उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर, विद्यालयों में, पंचायत भवनों में और जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा, और दूसरे सप्ताह में पोषण के लिए योग्य और आयुष गर्भवती महिलाओं,
बच्चों और किशोरों जैसे विभिन्न समूहों के लक्षित योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी और जो किशोरी बच्चे हैं और गर्भवती महिला, उनको जो लक्षित योग सत्र का आयोजन किया जाना है। और देखिए तीसरे सप्ताह में किस प्रकार का गतिविधि करना है, तो तीसरे सप्ताह में IEC सामग्री के साथ आंगनवाड़ी लाभार्थियों को अधिक बोझ वाले जिलों में पोषण किट का वितरण, और चौथे सप्ताह कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके लिए पौष्टिक भोजन के वितरण के लिए अभियान का आयोजन होगा। देखिए चौथे सप्ताह में के दौरान स्वयं बच्चों की पहचान करने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ANM द्वारा बच्चों को जो कि 5 वर्ष से उनकी आयु कम हो, उनकी लंबाई और वजन मापना अभियान के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना है। तो जो 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनकी लंबाई, ऊंचाई, वजन, सारी चीज़ों को घर घर जाकर सर्वेक्षण कर लेना है। बच्चों की पहचान के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। तो देखिए पोषण माह के तहत आपको COVID-19 का भी पालन करना है और जाके घर घर जाके जो बच्चे कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान करना है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका लगाना है, जो स्वयं बच्चे हैं उनकी पहचान करना है। तो बहुत सारी गतिविधियां आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पर करना है। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो पोषण राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा, जिसमें कि ये सारे दैनिक कार्य आपको करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है, इस जानकारी से आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से आपको राष्ट्रीय पोषण माह मनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।